मैंने कहा था ना इफ्रा कि तुम तक पहुंचने के लिए मेरे पास बिल्कुल सीधा रास्ता है, इधर उधर मुड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता। और अब देखो वही हुआ जो हमने चाहा। बात तो बिल्कुल सही है, मुझे तो अभी तक यकीन ही नहीं आ रहा कि बाबा ने माना है। मतलब कोई रुकावट कुछ नहीं आया हमारे दरमियान, सब खुशी खुशी खुद ही हो गया। सोचो हम कितने लकी हैं। ये सब ना मेरी मोहब्बत का कमाल है, जिसके सामने कुछ नहीं टिक पाया। रहने दो, सारा क्रेडिट खुद मत लो तुम। अच्छा भाई कुछ क्रेडिट तुम भी ले लो, आखिर इतना अरसा परेशान और डरती तो रही हो। मजाक मत उड़ाओ, जाहिर है डर तो लगता ही है, और वैसे भी अगर बाबा हामी ना भरते तो हमारा ये रिश्ता तो होना नामुमकिन ही था। और पता है तुम्हें, बाबा मेरी कोई बात आज तक नहीं डालते, सबसे बढ़कर उन्हें मेरी खुशी तो अजीज है। और साहब मैं भी यही चाहता हूँ कि साहिर के जाने से पहले कोई इशू ना खड़ा हो, यही बेहतर। इसीलिए मेरे सब कुछ बताने के बाद भी आप रिश्ता लेकर आ गए, मुझे बड़ी हैरत हुई थी। मैं अपने बेटे को खोना नहीं चाहता साजी साहब, आप जानते हैं कि आजकल के नौजवान जज्बात में आकर इंतहाई कदम उठाते हैं, और मैं उसे मुतमईन करके यहाँ से भेजना चाहता हूँ। क्या मतलब आप ये कह रहे हैं कि आप साहिर और इफ्रा की शादी नहीं करें? तो क्या आप चाहते हैं कि ये शादी हो? सच बताएं, आप चाहते हैं? मुझे इफ्रा की शादी में कोई दिलचस्पी नहीं, और ना ही मैं उसकी शादी के लिए पैसे खर्च करना चाहता हूँ। ये जिम्मेदारी उसके बाप की है, मेरी नहीं है। आप बहुत हकीकत पसंद है मेरी तरह, हम इस अरसे में कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे इस उलझन से निकलने का इंशाल्लाह। यस ओके अल्लाह। अच्छा भाई मान लिया तुम्हारे बाबा का एहसान, अब तो खुश हो? या कहो तो लिख के दे दूं? मजाक मत उड़ाओ, तुम्हें पता है मैं अपने बाबा को लेके कितनी सेंसिटिव हूँ। नहीं इफ्रा, जिंदगी में इतना हसास होना अच्छी बात नहीं है, जिंदगी में ना बहुत चीजें बर्दाश्त करनी पड़ती है। मुझे ना किसी की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, मेरे पास मेरे बाबा और तुम हो ना। काश मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जाता, मुझे तुम्हारी कोई फिक्र नहीं रहती, लेकिन अब मैं तुम्हारे लिए बहुत फिक्रमंद हूँ। अपना बहुत ख्याल रखना। तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे मुझे तन्हा छोड़ के चले जाओगे। अरे भाई मेरे मामा बाबा हैं मेरे साथ, तक रहूंगी ना उनके साथ अयाशी से। कैसा? तुमने कुछ गलत नहीं कहा, बिल्कुल ठीक कहा तुमने। चलाओ कुछ ऑर्डर करते, मुझे बहुत भूख लगी है। किसने ऐसा नहीं किया? दिमाग खराब हो गया, कुछ मंगाओ। तो किसने कहा पी उसको?